हेलो फ्रेंड्स, आपने गोभी आलू की रेसिपी बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज मेरी तरीके से बहुत ही मसालेदार ग्रेवी में आज बनेगी। तो चलिए, अपने जरूरत के हिसाब से आप गोभी ले लीजिएगा। मैंने एक टू फुल ले लिया है और इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। आलू के पीसेस भी इस तरीके से मैंने लंबे लंबे साइज में कट कर लिए है। तो चलिए चलते हैं अब हम इसे कुक करने के प्रोसेस पे। तो मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम गोभी को यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो उससे पहले आप इसे ना गोभी को उबाल लीजिएगा इसका, ताकि गैस वगैरह गोभी में होती है तो वो अच्छे से निकल जाएगी। तो चलिए, उसके बाद अच्छे से छान करके आप बिल्कुल पानी निकाल लीजिएगा। उसके बाद ही आप इसमें फ्राई कर लीजिएगा तेल में। तो तेल में अच्छे से हमने डीप कर लिया है और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो जैसे अच्छा सा कलर आ जाएगा ना, अब हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छा सा कलर भी आ गया है, गोभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बहुत अच्छा सा स्पॉट्स इस पर आ गया है। तो हमें इतना ही फ्राई करना है, ठीक है। तो चलिए, जैसे इस तरीके का कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तेल में ही हम आलुओं को भी फ्राई करेंगे। तो चलिए, अब पहले हम गोभी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जितने भी पीस थे फूलगोभी के, तो मैंने सभी को निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं आलू। तो जरूरत के हिसाब से आप आलू ले लीजिएगा। मैंने 4 पीस आलू ली है, लंबे लंबे स्लाइस में मैंने कट कर लिया था और इसमें अब यहाँ पर वॉश करके मैंने यहाँ पर यूज किया है। और इसमें थोड़ा सा हम इसे अच्छे चला करके इसमें एक अच्छा सा कलर लाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि आलू हमारे फीकी ना लगे। इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, यानी कि 1 से 2 पिंच करके करीब डालिएगा, ज्यादा नहीं डालना है यहाँ पर, ठीक है। हम इसलिए डाल रहे हैं ना कि इसमें जो है आलू का कलर इससे अच्छा आता है और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ मिनट लगे हमें फ्राई करने में। तो ये फ्राई अच्छे से हो चुकी है, बस इतना ही हमें फ्राई करना है। इसमें भी हल्के हल्के से स्पॉट्स आ चुकी है कलर, यानी कि हल्का सा रेडपन आ गया है। तब हम क्या करते हैं कि इसे हम निकाल लेंगे गोभी के साथ में ही। तो ऑयल को अच्छे से रिलीज कर लीजिए यहाँ पर इस तरीके से और सारे पीसेस को यहाँ पर निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑयल मेरा यहाँ पर बच गया है, तो मैं यहाँ पर मटर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास मटर हो तो यूज कर लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ आलू और गोभी की ही आप सब्जी बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मटर थी तो मैंने यहाँ पर मटर यूज किया। तो थोड़ा सा हम इसे सॉटे कर लेंगे, बस इसे भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। इससे जो है टेस्ट अच्छा आता है और इसका कच्चा फ्लेवर भी खत्म हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर दूसरी कढ़ाई ली है, तो इसमें डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच तेल। अब यहाँ पर हमें मस्टर्ड ऑयल की जरूरत है, यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे क्योंकि सब्जी आप जो भी बनाए तो मस्टर्ड ऑयल में ज्यादा टेस्टी बनती है। तो अच्छे से तेल जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर डाल दीजिए 1/2 चम्मच जीरा और 2 से 3 पिंच हींग डाल दीजिए। दोनों को अच्छे से चटक जाने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्याज डाल दीजिएगा। प्याज को अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसे फ्राई कर लेना है जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स की बहुत प्यारा सा कलर भी आ गया है और हमारी थोड़ी सी जो है ये प्याज हमारी जो है अच्छे से ब्राउन पर आ चुकी थी। अब यहाँ पर जो ऐसे ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपको डाल देना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम स्टम पे लो कर दीजिएगा, नहीं तो लहसुन है, प्याज जो है वो जल सकती है। एक बड़े साइज के टमाटर की मैंने प्यूरी बना करके रखी थी, मैंने इसे डाल दिया है। आप इसे यहाँ पर ग्रेट करके भी यूज कर सकते हैं या तो आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसके साथ कुछ मसाले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर लिया है, टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दीजिएगा। जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए 1/4 टेबल स्पून। 1/2 चम्मच मैंने मिर्च पाउडर भी डाल दिया है, तीखा अपने हिसाब से रखिएगा। आप चाहें यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। तो 1/2 चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर डालिए और 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दीजिए। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भुनाई करेंगे। तो चलिए इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम स्टम पे लो रखिए, सॉरी हाई रखिएगा, हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से लीड को कवर कर दीजिए और इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर लीजिएगा। इसकी भुनाई हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से हाई फ्लेम पे कर ली है। तो यहाँ पर देखिए तेल बिल्कुल अलग हो चुके हैं मसाले से और मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। मसाले से एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो हमें इतना ही भून लेना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अभी और भी भुनाई होगी। तो इससे पहले ही हम थोड़ा जो है सब्जी जो है हमारी वो हम इसे डाल करके इसके साथ ही में इसकी भुनाई भी कर लेंगे और मसाले जो है अच्छे से आलू गोभी में भी लग जाएगी और सॉफ्ट भी होते चले जाएंगे। तो दोनों चीज हमारे साथ में ही होती चली जाएगी। तो हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बन रही है।
यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। आप एक बार जरूर से ट्राई करके देखिएगा। आपको अगर कसूरी मेथी पसंद हो तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। मैंने आधा चम्मच क्रश करके हाथों से डाला है और इसे अच्छे से मैंने मिक्स भी कर लिया है। तो अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे गैस का और इसको हम कवर कर देंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से मसाले को एब्जॉर्ब कर सके और हमारे आलू जो है और गोभी है अच्छे से सॉफ्ट भी हो सके। तो मैंने 2 मिनट इसे अच्छे से लीड को कवर करके मैंने पकाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर गरम मसाला पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें गरम मसाला पाउडर ऐड करना तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिना गरम मसाला पाउडर के ही अब बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके ये बनाने जा रही हूँ, तो ये तैयार होने जा रही है। तो चलिए अब हम लीड को कवर कर देंगे, थोड़ी सी हम इसे कुक कर लेते हैं। तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए ये देखिए रेसिपी बहुत ही मजेदार बनती है। अब यहाँ पर फ्रेश धनिया की पत्ती डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है हमारा आलू भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो ये देखिए मैं आलू को तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, तो गोभी क्यों नहीं पकेगी भाई। तो आपको जितना ग्रेवी रखनी हो आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है ना। इसे आप रोटी हो, पराठे हो, चावल हो, किसी भी चीज के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही मजे के लगेंगे। तो ये देखिए आज की रेसिपी, आई होप कि आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।